यदि आज का मानव संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण करना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो तीन बातों पर हमको विचार आज करना होगा। किसी भी मानव जीवन के स्वस्थ रहने के लिए तीन मूल चीज़ें हैं। वो है सबसे पहले उचित भोजन, यानी प्रॉपर डाइट। एक मानव जीवन यदि प्रॉपर डाइट खाता है, फलाहार, सब्जियां प्रॉपर तरीके से खाना, पानी का उचित उपयोग, घी और तेल का उचित उपयोग, अगर इन सब को हम बैलेंस डाइट के रूप से लें तो मानव जीवन का जो शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है। लेकिन क्या शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है तो क्या हम संपूर्ण स्वस्थ कहलाएंगे? शायद नहीं। तो जिस प्रकार हम शरीर को भोजन देते हैं, उसी प्रकार अपने मन, अपने संकल्पों को भी भोजन देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमारे शरीर के भोजन को भी शक्तिशाली बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके अंदर स्मृति होती है। यानी भोजन स्वस्थ हो वो एक बात है, लेकिन भोजन किस स्मृति के अंदर बनाया गया है, किन भावनाओं के साथ बनाया गया है, वो भी डिटरमिन करता है कि वो हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। तो हमारी मानसिकता, हमारा मनोयोग, हमारी आध्यात्मिकता वो यही कहती है कि हम जब भी भोजन खाएं, जब भी भोजन बनाएं, उसको परमात्मिक स्मृति के अंदर बनाएं, उसके अंदर सुख और खुशी की वाइब्रेशंस डालें, क्योंकि हमारे संकल्प उस भोजन को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि वो हमारे मन और हमारे शरीर दोनों को सुख और आनंद की प्राप्ति कराता है। आपने भी देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो वहाँ भोजन, हमको भोजन क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस भोजन की वाइब्रेशंस, उस भोजन के अंदर जो सुकून और शांति की प्राप्ति हमको होती है, वो हमारे मन को आनंदित कर देती है। तो यदि हम संपूर्ण स्वास्थ्य की परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर और अपने मन को क्या भोजन खिलाते हैं उस पर हमको ध्यान देना होगा। हमारे स्वास्थ्य का दूसरा आधार है व्यायाम, यानी एक्सरसाइज। डॉक्टर्स भी इसको बताते हैं कि यदि एक मानव एक दिन के अंदर 30 से 35 मिनट रोज़ चलता है और एक्सरसाइज करता है तो साइंस कहती है कि वो अपनी उम्र के अंदर 30 से 35 मिनट रोज़ जोड़ देता है। इतनी इम्पोर्टेंस है शारीरिक एक्सरसाइज की। लेकिन जिस तरह हम शरीर को एक्सरसाइज कराते हैं, उसी तरह अपने मन, अपने संकल्पों को भी एक्सरसाइज कराना रोज़ आवश्यक है। हमारे मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं? एक आम आदमी का मन एक दिन के अंदर 50,000 से 60,000 थॉट्स, यानी विचार जनरेट करता है। और क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर केवल 1% विचार ही हैं जो कि हमारे पॉजिटिव और पर्पसफुल थॉट्स होते हैं? बाकी विचारों की कोई वैल्यू नहीं होती या वो नकारात्मक विचार होते हैं। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे जीवन को डिटरमिन नहीं करता, हमारे अलग नेगेटिव विचार जो हैं वो हमारे जीवन को डिटरमिन करते हैं। तो आज बहुत आवश्यक है कि आज का मानव अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि आज संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हर मानव मन से शांति, सुख और प्यार के प्रकंपन निकलें। जब ऐसे प्रकंपन निकलेंगे तो हमारा अपना जीवन भी सुख और शांतमय होगा, हमारे परिवार का जीवन भी सुख और शांतमय होगा, हमारे समाज का जीवन भी सुख और शांतमय होगा, और हमारे देश और राष्ट्र और विश्व का जीवन भी सुख और शांत से परिपूर्ण हो जाएगा। हमारे जीवन का तीसरा आधार, स्वास्थ्य का तीसरा आधार है प्रॉपर आराम, यानी रेस्ट। जिस तरह डॉक्टर सलाह देते हैं कि शरीर को 6 से 8 घंटे ज़रूर सुलाना चाहिए, और ज़रूरी भी है, लेकिन एक बात विचार करने योग्य है कि शरीर को अगर मैं 6 से 8 घंटे सुलाऊं, लेकिन क्या मेरा मन भी उस समय पर सोता है? अगर हमारा मन उस नींद के समय में थका हुआ होता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन से यही निकलता है कि आज हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो शरीर से ज़्यादा आराम हमारे मन को ज़रूरत होती है। और मन को आराम देने के लिए अपने जीवन में कुछ क्षण अपने विचारों की तरफ हमको ध्यान देना होता है। ध्यान देना अर्थात किस प्रकार के संकल्प हमारे मन के अंदर आते हैं। हम केवल सुनते हैं, हम केवल नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वही नकारात्मक एनर्जी बाहर हम भेज देते हैं।
अगर हम सच में अपने मन को आराम देना चाहते हैं तो क्या आज हमारे पास दिन में केवल 20 मिनट हैं? परमात्मा रोज आकर हमको 1440 मिनट रोज देता है। उन 1440 मिनट में से केवल 20 मिनट अगर हम अपने मन का ध्यान करने के लिए लगाएं तो शायद जिस संपूर्ण स्वास्थ्य की हम परिकल्पना करते हैं उस संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हमारे जीवन में हमको बहुत सहज रूप से हो सकती है। जिन बीमारियों की हम सोचते हैं, जिन बीमारियों का हम इलाज करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम अपने मन को ठीक कर लेते हैं तो बीमारियों का भी इलाज स्वतः रूप से होने लगता है। और ये सब चीजें आज साइंस हमको बताती है। तो जब हमारा मन स्वस्थ होगा तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और जिस मानव का मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं तो उसके संबंध भी स्वस्थ होंगे, उसके परिवार का माहौल भी स्वस्थ होगा, और यदि स्वास्थ्य हमारे परिवार के अंदर है तो हमारा समाज और हमारा देश भी स्वस्थ होगा। संपूर्ण स्वास्थ्य की संरचना एक अच्छे मन, श्रेष्ठ संकल्पों से होती है। तो आइए आज हम सच्चा स्वास्थ्य दिवस मनाएं। ओम शांति।